discussing on screening and prevalence, prioritization strategies, capacity building, management updates, and some future directions. स्क्रीनिंग एंड प्रिवेलेंस में नंबर्स तो कल भी डिस्कस हुए थे, अभी फिर आ रहे हैं। 2016-17 का सर्वे है, नेशनल लेवल का सर्वे है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ इन्वॉल्व थी 17.1% ओवरऑल प्रिवेलेंस, जब एज के साथ, सेक्स के साथ और सोशो इकोनॉमिक क्लास के साथ एडजस्ट करा था, आया 1 in 5 पीपल आर विद डायबिटीज। ये बहुत ही पुरानी फिगर्स कहलाने लग गई अब, क्योंकि 2021 का एटलस आ रहा है। नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह एम्बार्गो हट जाएगा तो 12 नवंबर के बाद नई फिगर्स आएंगी। इन फिगर्स के हिसाब से हमारे 1 करोड़ 94 लाख लोगों को डायबिटीज़ है पाकिस्तान में 2019 के हिसाब से। हाइपरटेंशन 46%, ओबेसिटी 73%, डिसलिपिडीमिया, टोबैको स्मोकिंग, टोबैको भी अभी पूरी टॉक होगी, शहजाद आलम साहब आ रहे हैं WHO वाले। तो स्क्रीनिंग एंड प्रिवेलेंस के अंदर तो बहुत हाई नंबर्स हैं, तो देयर शैल बी प्रायोरिटाइजेशन स्ट्रेटजीज, खुसूसन जब आपके पास रिसोर्सेज लिमिटेड हैं तो आपको तय करना होगा कि 1, 2, 3 कैसे स्टेप्स लेने चाहिए। तीन हमने IDF रिलेटेड तीन सेक्शंस पे ज़्यादा काम किया था, डायबिटीज एजुकेशन, डायबिटिक फूड और डायबिटीज एंड चिल्ड्रन, अभी भी यही प्रायोरिटीज़ हैं। इनफैक्ट ग्लोबली भी वन वे और द अदर ये बहुत हाई टॉप प्रायोरिटीज़ हो जाती हैं। डायबिटीज एजुकेशन के बारे में वी स्टार्टेड वे बैक, अब देखो ये जो स्लाइड है ना, 24वीं वॉक होने वाली है, 24th अवेयरनेस वॉक है 19 नवंबर को। वसीम अकरम साहब आज आ रहे हैं अभी इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में, वो बोलेंगे, वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट एम्बेसडर्स ऑफ डायबिटीज नाउ ग्लोबली, हमारी वॉक में आए थे वे बैक। ये सरोफी के साथ की थी, प्रोफ शेरा भी नज़र आ रहे हैं बैकग्राउंड में वसीम के राइट हैंड साइड पर। तो वी क्रिएटेड दिस डेट ऐप, जो कल सैफ ने अच्छा तारुफ कराया था, नेशनल एसोसिएशन डायबिटीज एजुकेटर्स ऑफ पाकिस्तान, इसलिए कि अब तक पाकिस्तान में ख़ास तौर पे और ग्लोबली भी ट्रेंड चेंज करना मुश्किल होता है कि जी डॉक्टर्स ही खाली काफ़ी नहीं है। जब क्रॉनिक डिजीज़ हो ऐसी जो 30-30, 40-40 साल चलेगी, तो एक बंदा इन्वॉल्व होता है, उसकी फैमिली इन्वॉल्व होती है, फिर इकोनॉमिक्स इन्वॉल्व होती है, फिर एक्सेस टू केयर इन्वॉल्व होता है, तो मल्टीपल स्टेक होल्डर्स चाहिए।